गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए ये कैसे कैमरा ऑन हुआ, वो कब से बोल रहे हैं कि उठो उठो उठो, नहीं उठ रही है। तो देखिए कैसे उठ के बैठी, कैमरा ऑन हुआ। तो आप लोग कैसे हो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक हो। तो मैं भी अच्छी हूँ, मेरी फैमिली भी अच्छी है, बच्चे भी अच्छे हैं, आप लोग के भी बच्चे सब अच्छे होंगे। और आशा करती हूँ कि आप लोग की दिवाली की साफ़ सफाई सब कंप्लीट हो गई होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैं मिंकू पूजा कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आ गई हूँ। इतना सारा माँ सब जमा करके रख देते हैं दरवाज़ा में, जो वो होता है ना चाबी रिंग में, वो सब ला के लटका देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5-6 मास्क है यहाँ पे, मैं उसे वॉश करके सुखा दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मिंकू पूजा कर रही है और फिर चाय चढ़ाऊँगी। चाय वगैरह शाम का टाइम हो रहा है ना, तो सुबह से मैंने व्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं किया यहाँ पे। सुबह से हम लोग एक व्लॉग भी शूट नहीं किए, एक व्लॉग भी नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, क्योंकि आज सुबह से हम लोग का वॉशिंग मशीन खराब हो गया था। तो फिर उसके लिए मिस्त्री आया, मिस्त्री ठीक करके गया। तो फिर अभी हम लोग को पूजा काम, घर का काम खत्म करके बैंक का काम करके आए। फिर टायर्ड हो गए, 4 बजे के बाद आए बैंक से, तो फिर बहुत टायर्ड हो गए। तो फिर हम लोग कुछ भी ब्लॉग नहीं शुरू किए। अभी बज चुके हैं 6, तो अभी 6 बजे से हम लोग ब्लॉग बनाना शुरू कर रहे हैं। अभी भी इंजेक्शन में बहुत दर्द, पता नहीं सोची बच्चे लोग को वैक्सीन लगता है कितना उन लोग बर्दाश्त करता है ना। बच्चे लोग जितना बर्दाश्त कर सकते उतना हम लोग नहीं कर सकते, बच्चे लोग में बहुत है शक्ति। सो फ्रेंड्स अभी जा रहे हैं चाय बनाएंगे। और आपका वैक्सीन दर्द हो रहा है? हमको तो रात में बहुत ठंड लग रहा, हमको हल्का हल्का फीवरेज टाइप हो गया था, हल्का ठंड लग रहा था, अभी सिर्फ हाथ में दर्द है बहुत। सो अभी जा रहे हैं चाय बनाएंगे। चाय बना के अभी छोटी सो रही है और बड़ी उठ गई है। और सो गाइज यहाँ पे देखिए दौलत खुली है, ये मेरी बचपन की पैसा। तो देखिए कितने सारे दौलत है। सो फ्रेंड्स मिंकू यहाँ पे पीहू का गुल्लक चेक कर रही है कि कितना पैसा है वगैरह सब है। तो देख खाली चिल्लड़ भरे हुए, अब चिल्लड़ को कहाँ पे कैश करवाना है, बहुत टेंशन होती है ये सब चीज़ के लिए। तो देखिए एक तो का तो नींद ही नहीं खुल रहा है। देखिए हम आ गए, मम्मा आ गए। अरे बाप रे, कहाँ जा रहे, आए, आए, ये क्या हो रहा है? आए लगेगा। आज बैंक गए थे तो बैंक में बाबू थम इम्प्रेशन दिए ना फर्स्ट टाइम। दिखाओ कहाँ दिया, थम दिखाओ, थम ये देखिए, थम इम्प्रेशन ये देखिए, ये देखिए थम इम्प्रेशन। मेरी बाबू बली हो गई है ना, हाय बोल दो ना। अभी मन नहीं है बोलने का, अभी नीनी की है ना, इसीलिए मन नहीं बोलने का ना। तो देखिए यहाँ पे दोनों में लड़ाई हो रही है। जब भी यहाँ पे छोटी करने का बात आता है तो ये छोटी पहले दौड़ कर आती है कि पहले मेरा करो, और पीहू को लास्ट में करने बोलती है। ये हर वक्त आती है दौड़ के कि पहले मेरा करो। पहले इससे ज़्यादा लड़ाई हो रही थी, मेरा कैमरा ऑन होते होते इन लोग का बंद हो गया था लड़ाई। पीहू को हर जगह सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बड़ी है ना तो थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ जाता है। अरे वाह, परी शूट करो, शूट, वाह, अरे बाप, दीदी कैसे कर रही है दीदी, अरे बाप, अरे बाप, अरे बाप, चोर परी के नजरों से नहीं भाग सकता, सॉरी निशाने से। कहीं नहीं भाग सकते, रुको अरे बाप रे, मम्मी को मार दो, मम्मी को मार दो, गोली मार दो, मम्मी को गोली मार दो, अरे बाप रे, बस हो गया, गोली खत्म हो गया।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चों लोग की दिवाली स्टार्ट हो गई है, जब तब इन लोगों का दिवाली चालू हो जाती है यहाँ पे। और ये छोटी जब तब बाहर ना जाने में दरवाजा से खुलता नहीं है कि पैर इसके बाहर निकल जाते हैं। इसे देखिए, ये हो गई है पागल पागल। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? खाना क्या बना रहे हैं? फर्स्ट टाइम सीजन का गोभी आया है। गोभी फूल गोभी फूल की खाबे फूल गोभी चाटनी खाबे। एक पाताटा खालो ना, एक पाताटा की बोले के दामी सब्जी पाका 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 पाता। एक पाताटा खालो अने एक पाटा पाटा। अरे ये पाता गोल मूली का पाता आ चुकी। ये मूली का बच्चा है। आमी बुझलाम की गोभी पाता नॉट मूली पाता। जी क्या हालत है, ग्रहणी है ग्रहणी। डिफरेंस देख रहे हैं? हाँ स्मेल भी आ रहा है। तो ये है गोभी। कितनी अच्छी लगी। पिल्लू निकल के मेरे बाल में चल जाएगा अभी। अभी पिल्लू नहीं निकलता है। और ये जो डंडे सारा मैगी का पैकेट ले जाके वहां पे जमा कर रही हूं। जो डंडे है ना इसका सब्जी बनाऊंगी मैं, मजा आएगा। और फूलगोभी की पत्ता की चटनी इतना गंदा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जो अच्छा अच्छा पत्ता है उसको रख दीजिए। हम बनाएंगे, आमी रान्ना करबू। दिस इज माय फेवरेट कुकर, वन एंड ओनली खानदानी कुकर। मैं ना चंपू चंपू हुई गई, उसका मेरा सर इतना फट रहा था ना दर्द से कि मैंने तेल से चिपका दिया, इसलिए चंपू हो गई। और मैं शैम्पू नहीं करूंगी, मेरे हाथ पूरा जल गई थी। देखिए कैसे हो गया है, इसी की वजह से होता है सब चीज। हमें तो जलाए हैं ना। हाँ हम ही जलाए हैं ना। आपको क्या बॉइल करेगा? आलू क्यों तो बनाएंगे वो, मतलब अनकॉमन बात है ना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारा नाश्ता हो रहा है। नाश्ता पता है आपको 9 बजे हो रहा है हमारा। तो यहाँ पे हम लोग ने मैगी बनाया था नाश्ते में, बच्चे लोग को खिला दिया था। फिर इसको ये तो जब तब नाश्ता होते रहती है इसकी। और यहाँ पे देखिए पीहू का मेकअप बॉक्स लेके ये मेकअप कर रही है। उसका लिप बाम पूरा खा जाती है, ये वाला लिप बाम ना उसका पूरा खा जाती है, इसलिए वो बेचारी छुपा के रखती है इसे। और वो बॉक्स में देखिए मिरर है ना, तो वो मिरर में झाँक झाँक के देख रही है अपना लिप्स को, चटका रही लगा लगा के अपने लिप्स में लिपस्टिक लगा रही है। आजकल के बच्चों को कुछ नहीं सिखाना पड़ता है फ्रेंड्स, कैसे इन लोग सीख कर ही आते हैं ना। सो गाइस, आलू गोभी की सब्जी के लिए यहाँ पे आलू मैंने फ्राई कर लिया, बॉईल करके फ्राई कर लिया। और यहाँ पे गोभी को फ्राई कर रही हूँ, देखिए अच्छे से एकदम रेड फ्राई कर लूँगी, तब मैं मसाला फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैं गोभी को आलू को भी फ्राई कर ली थी और गोभी को भी मैं फ्राई कर रही हूँ। गोभी में भी हल्का मसाला डालूँगी बस, और कुछ नहीं। और देखिए यहाँ पे गोभी की डंडी भी मैंने साथ में डाला, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। क्या हुआ? कुछ नहीं। देन गो गो वाई हाई फाई दो, हाई फाई दो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गोभी हल्की फ्राई हो गई है। तो हल्दी मिर्चा और धनिया जीरा पाउडर हल्का सा डाल के इसे फ्राई कर लेंगे और उतार देंगे। तो देखिए आलू का कलर और गोभी का कलर एक जैसा हो गया। यहाँ पे तेल गरम करेंगे। तेल गरम करके यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने, और यहाँ पे प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पे डाल दिया है। अब उसे हल्का सा फ्राई करने के बाद यहाँ पे ड्राई सारा मसाला डालेंगे, धनिया पाउडर जीरा पाउडर और मिर्च पाउडर बस, ये डाल के इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। और फिर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करके टमाटर जब तक पूरा गल जाएगा, मसाले के साथ साथ ही टमाटर को फ्राई करेंगे। टमाटर को पूरा अच्छे से गल जाएगा,
तब फिर जाके हम लोग सब्जी को ऐड करेंगे, जो आलू और गोभी मैंने फ्राई करके रखा है ना उसे अच्छे से मसाले में फ्राई भूज लेंगे। भूजने के बाद फिर हम लोग उसमें जैसा आपको कंसिस्टेंसी पानी का चाहिए वैसा आप डाल दीजिए, और फिर गरम मसाला धनिया पत्ता देके आप इस सब्ज़ी को इंजॉय करिए पराठे के साथ। हम लोग ने तो इसमें पराठा बनाया था, आप लोग को राइस के साथ, जीरा राइस वगैरह के साथ इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत यमी बनती है ये गोभी आलू की सब्ज़ी, देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। आप लोग भी अपने घरों में बनाइए, बहुत टेस्टी लगती है बिलीव मी। और यहाँ पे हमारी पराठे भी बन गए हैं, अब सिर्फ खाना खाना बाकी है। सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और हम लोग बैठे हैं अभी खाना खाने के लिए। चलिए आप लोग भी आइए हम लोगों के साथ में रात का डिनर करने के लिए। तो गाइज आज आरोही यानी कि परी खाना निकाल परी सॉरी पीहू पीहू खाना निकाल रही है। तो पीहू आज खाने में क्या बना है? आज बना है पराठा, पराठा और आलू गोभी का सब्जी, आलू गोभी की सब्जी। और परी भी आ गई है खाना निकालने के लिए, ये लीजिए। हाँ रोटी खाइए है ना। पीहू अपने पापा लोग को खाना दे रही है। हाँ दाल दे दो पापा लोग को, दे दो जाओ। सो गाइस अभी बज है 12:00 और हम लोगों का खाना पीना सारा काम हो गया है, बच्चों ने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और अब मैं भी जा रही हूँ कपड़े चेंज करने के लिए। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।